सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज दिव्यांशु। आज मैं लिया हूं मेरा 12NSA 20.5.14 रेडमी 4A के लिए। भाई ये जो रोम है ना, सबसे ज़्यादा स्मूथ रोम है। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, अब तक का जितना भी लैग था भाई, जो भी एनिमेशंस में लैग था, एवरीथिंग सब फिक्स हो चुका है भाई। एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस है, मुझे अब तक कोई लैग फेस नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, एकदम स्मूथ एनिमेशंस है, कोई एरर नहीं आ रहा है और सारी चीज़ें एकदम स्मूथ है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सो गाइस, सबसे पहले मैं थैंक देने वाला हूँ रोमियो AYY को भाई। इन्हीं की वजह से हमें ये रोम मिल रही है। सो स्पेशल थैंक्स टू रोमियो AYY। मैं आपको इनका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाके उनको थैंक्स बोल सकते हैं भाई ये पोर्ट के लिए। क्योंकि भाई ये जो पोर्ट है ना, सबसे ज़्यादा स्मूथ पोर्ट है अभी तक MIUI 12 का रेडमी 4A के लिए। मेरे को अब तक इतना स्मूथ रोम कभी नहीं मिली है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ कि आप लोगों को दिख जाए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी इसमें एरर्स वगैरह थे सारे फिक्स हो चुके हैं। एंड सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ आपको सारी चीज़। इसमें एक नया ऑप्शन आ गया स्टैंडर्ड ऑप्शन, ये थोड़ा अपडेटेड वाला लॉन्चर है। सो आप अगर आपको पता होगा MIUI 12 का अपडेट्स आप अगर चेक करोगे कॉन्स्टेंटली, तो ये इसमें अपडेट आया है। एंड सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है। ओके, आपको माई डिवाइस में जाके दिखा देता हूँ मैं। MIUI 12 NSA है ये 20.5.14, और वाईफाई में चले जाते हैं, सारी चीज़ें वर्क करती है। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, सारी चीज़ें वर्क करती हैं। आपको पिछले पोर्ट में हॉटस्पॉट वर्क नहीं करता था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हॉटस्पॉट वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है हॉटस्पॉट में भी। एंड आपको एक चीज़ में बहुत अच्छा, आपके जो पबजी खेलते हैं उनके ट्यूटोरियल मतलब वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है FPS में 60 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड आप क्वालिटी भी 40 Mbps तक जा सकते हैं, मतलब क्रिस्टल क्लियर एकदम जो हाई क्वालिटी वाला कॉन्टेंट होता है आप वो इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 720p पे लॉक्ड है, तो भाई उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी स्टिल जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रिकॉर्डिंग होने वाली है। एंड मैं जितना इसको यूज़ करा भाई, मेरे को एक लैग नहीं फेस हुआ। बस ऐसा होता है कि अगर आपने कभी आपका इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है एंड एकदम से आप स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती है, तो भाई इसका जो प्रोसेसर है वो इतना लोड नहीं ले पाता है, इसलिए आपको कभी कभार लैग फेस होंगे। बाकी वो लैग प्रोसेसर की वजह से, नॉट रोम की वजह से। तो हम रोम को कुछ नहीं बोल सकते, बाकी प्रोसेसर इसका इतना फास्ट में, क्योंकि स्नैपड्रैगन 445 है, इसमें 425 है। सो वो लैग वो इतना फेस नहीं कर सकता। ओके, MIUI 12 ऑफिशियल MIUI 11 तक नहीं आया है इस फ़ोन के लिए। सो MIUI 12 कैसे ये हैंडल करेगा। और इसमें एक और एक अच्छा अपडेट है, इसमें जो कैमरा है वो पूरी तरीके से वर्किंग है। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा है, मैं आपको बोलूँगा। मैंने जितने से शॉट्स लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। एंड पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है इसमें, एंड आपको इसमें एक मैनुअल मोड मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से जिनको फोटोग्राफी का शौक है भाई, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये। सो यही था इसका रिव्यू। फटाफट आप इसका इंस्टॉलेशन देख लीजिए आप।